नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले तीन वीडियो बना चुके हैं त्रासी 42-12 के ऊपर, और ये चौथी वीडियो है जो कि आज मक्के 83 दिन के हो चुके हैं, और 83 दिन के होने पर ये पूरी तरह भर चुके हैं, जो कि कंपनी से इसका जो टाइम दिया गया है वो 75 से 80 दिन का टाइम दिया गया है ना, तो उस टाइम के अंदर ये पूरे मक्के भर चुके हैं, है ना। आज 3 दिन लेट हो गए हम वीडियो बनाने में, है ना। तो आज हम दिखा देते हैं आपको, है ना, इससे दाने किस प्रकार आए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं, है ना। जैसे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, भुट्टा यहाँ पर है, तो अब हम यहाँ का दिखा देते हैं, वैसे प्रॉपरली आ जाएगा वीडियो में। तो इधर देखिएगा, है ना, इसके जो दाने हैं भाई साहब, ये जूम कीजिएगा यहाँ पर, है ना, इसके जो दाने हैं भाई साहब ये देखिएगा, ये दाने पूरी तरह भर चुके हैं और पूरी तरह कड़क हो चुके हैं, क्योंकि ये 83 दिन के हो चुके हैं और 80 दिन में ये पूरे पककर तैयार हो जाते हैं। आज 83 दिन के हो गए हैं और ये पूरे तोड़ने लायक अभी भुट्टे हो गए हैं, है ना। भले इसके पौधे हरे हैं लेकिन भुट्टे ये जो है ये कड़क हो गए पूरे, ये तोड़ने लायक हो गए, है ना। अभी तो हम कुछ टाइम बाद इसकी तोड़ाई करेंगे अभी। और इसमें ये हुआ था कि जब हम जैसे कि 75 से 80 दिन का ये होता है, तो जब जब दाने जब भरने की अवस्था में होते हैं तो उस समय क्या इनको पानी की आवश्यकता होती है, अगर मौसम चला गया हो, पानी अगर नहीं आता है तो उस समय आप पानी खोल दीजिएगा, ट्यूबवेल हो या आपके पास में कुआ हो, तो उस माध्यम से आप इसकी धुलाई कर दीजिएगा, है ना। तो उससे क्या होता है कि भुट्टे अच्छी तरह भर जाएंगे। ये सभी एक तरह के भुट्टे हैं, सभी में दाने पूरी तरह भर चुके हैं और अब कटाई के लिए ये रेडी है। आज 83 दिन के भुट्टे हो गए हैं, इसके बाद हम इसकी कटाई करेंगे, कुछ टाइम बाद हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम आलू लगाएंगे, तो आलू के लिए किस प्रकार जगह तैयार करना है, कौन सी खाद डालना है, कैसा बीज लगाना है, तो हम वो उसके अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।